करण और आप देख रहे बीइंग पॉजिटिव विद विनीता। तो आज हम एक बहुत बड़े राष्ट्रपति के बारे में बात करने वाले हैं, शंकर दयाल शर्मा। बच्चे ने बोला बहुत बड़े की बात नहीं, मतलब हमारे भारतवर्ष के राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी, जो 1994 में हमारे राष्ट्रपति हुए, एक बार वो हमारे भारत की तरफ से ओमान गए। जब ओमान में एयरपोर्ट पे उतरे वो, तो वहाँ के राष्ट्रपति जो थे उनके वेलकम करने के लिए आए। फिर उन्हें बोला गया कि जब आप वहाँ पे जाएंगे, यहाँ के जो किंग हैं, राष्ट्रपति कह लो, वजीर कह लो, उनकी वेलकम करने के लिए आए थे। अब जो उन्होंने कहा, जो ओमान के जो किंग हैं, वहाँ पे किंग होते हैं, वो आपको लेने को आएंगे। जब राष्ट्र शंकर दयाल शर्मा जी महल के गेट पे पहुंचे, तो ओमान के जो किंग थे वो आए और उन्होंने शंकर दयाल शर्मा जी के चरण छुए। और जो अंदर तक जाने के लिए गाड़ी जो थी गेट पे खड़ी थी, ड्राइवर को हटा के उस ड्राइवर की सीट पे बैठ के खुद गाड़ी ड्राइव की और शंकर दयाल शर्मा जी को सीट पे बैठा के पीछे की सीट पे बैठा के अंदर, देखिए एक राजा ऐसे कर अपने साथ महल के अंदर तक लेके आए। अब जब ये सारा कुछ हो गया तो महल के और लोगों ने पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया, वो इतने बड़े क्यों है, प्रोटोकॉल थे, इतने सारे रूल्स थे, वो तोड़े क्यों आपने ऐसा करा। एक आज तो ये राष्ट्रपति हैं और भी इतने देशों के राष्ट्रपति हमारे, लेकिन आज तक आपने इनके अंदर क्या खासियत है, ऐसे भारत से आपके क्या संबंध है। तो उन्होंने कहा कि ये केवल मेरे लिए भारत के राष्ट्रपति नहीं है, ये मेरे गुरु है। किसी समय में इन्होंने मुझे पढ़ाया था, आज जो मैं किंग बनाऊं इनकी बदौलत बनाऊं, मतलब जो इनकी दी हुई शिक्षा ही आज मुझे काम आ रही है। इसलिए कहते हैं, जैसा करोगे वैसा भरोगे। ये शंकर दयाल शर्मा जी ने सच्चे दिल से अपनी शिक्षा आगे दी, जैसे कहते हैं जो बोगे वही काटोगे, आगे वही फल उगेगा। उन्होंने सच्चे दिल से निष्काम भाव से औरों को सेवा करी, औरों की को शिक्षा दी, देश की सेवा करी, लोगों की सेवा करी, तो उस रूप में उन्हें। एंड यू नो व्हाट, उन्होंने अपने स्टूडेंट्स के अंदर ग्रैटिट्यूड और एटीट्यूड दोनों भरा। और खाली ये नहीं भरा, जैसे कहते ना, हमें अभिमानी नहीं होना चाहिए, स्वाभिमानी होना चाहिए। तो एग्जैक्टली मैं आपको कहना चाहूंगी, जो मैं चंद बातें आपके साथ शेयर करी वो आपको समझ आ गई होंगी, अभिमानी ना बने, स्वाभिमानी बने। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, वी विल मीट यू इन नेक्स्ट वन। थैंक यू, प्लीज सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। Fearless.